नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। दोस्तों आज पूरे देश से कई बड़ी खबरें आ रही हैं जिन्हें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखते रहिएगा। साथ ही साथ आज देश में एक बेहद ही बड़ी गंभीर घटना हो गई है, इस घटना के भी बारे में आपको आगे वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। इसी के साथ आज की हमारी बेहद ही बड़ी और पहली खबर निकल कर आ रही है कि जनता को मिलेगी 300 यूनिट तक बिल्कुल फ्री में बिजली। इस राज्य सरकार की तरफ से किया गया बड़ा ऐलान। दीपावली और छठ पूजा के मौके पर राज्य सरकार ने किया बड़ा ऐलान, इस प्रमाण पत्र के बिना नहीं मिलेगी राज्य में एंट्री। बाहर काम कर रहे मजदूर और प्रवासी मजदूरों के लिए लगाया गया बड़ा नियम। साथ ही में पढ़ाई कर रही लड़कियों के लिए राजस्थान सरकार ने किया बड़ा ऐलान, एग्रीकल्चर यानी कृषि की पढ़ाई करने वाली लड़कियों को दिए जाएंगे 15,000 रुपए। देश में महंगाई ने तोड़ी आम जनता की कमर, थाली में धधक रही है महंगाई की आग। पहली बार पालक 120 रुपए तो वहीं धनिया 280 रुपए प्रति किलो के हुई पार। किसान भाइयों के लिए सरकार ने किया बड़ा ऐलान, दिल्ली सरकार ने कहा फसल बर्बाद होने पर दिया जाएगा 50,000 रुपए का मुआवजा। राशन कार्ड धारियों के लिए लागू हुआ नया नियम, अगर आपने नहीं लिया है इतने महीने से राशन तो अब आपका राशन कार्ड कर दिया जाएगा रद्द। घर खरीदने वालों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, दिल्ली में 7 लाख रुपए में खरीदें अपना घर, सरकार देगी 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की छूट। ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए आई बुरी खबर, त्योहार पर्व के मौके पर इस एक महीने के लिए सभी ट्रेनें हुई बुक, घर आने जाने वाले लोग ट्रेनों पर कर रहे हैं मारामारी। दिल्ली में लागू हुआ नया नियम, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ के चलते यदि नहीं मानेंगे इस नियम को तो अब गाड़ी का कटेगा चालान। दिल्ली सरकार की तरफ से बढ़ रहे प्रदूषण के चलते लागू किया गया नया नियम। केले की खेती करने वाले किसानों के लिए आई बुरी खबर, पहली बार आई इतनी खतरनाक बीमारी, फफूंद के चलते पूरी केले की फसल हो जा रही है खराब। डेंगू ने बढ़ाई राज्य सरकारों की चिंता, राजस्थान उत्तर प्रदेश और दिल्ली में रोजाना बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले। विदेश से भारत आने वाले लोगों के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, सभी को अब दिखानी होगी कोरोना की निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट, नहीं तो नहीं मिलेगी भारत में एंट्री। हाई कोर्ट की तरफ से कही गई बड़ी बात, कहा मुस्लिम में विवाह करना एक कॉन्ट्रैक्ट जबकि हिंदू में विवाह एक संस्कार। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए आई बड़ी खुशखबरी, 10वीं और 12वीं पास को अब जल्द मिलेगी नौकरी, 81,000 से ज्यादा की सैलरी पाने का है मौका, जानेंगे पूरी खबर। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर आई बड़ी खबर, मुंबई ड्रग्स केस में शाहरुख खान के घर मन्नत पर पहुंची एनसीबी की टीम, आर्यन के पेपर लेने गई थी टीम। पड़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों के चलते नहीं थम रही है महंगाई, गुरुवार को फिर से महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल, 30 से 35 पैसे तक महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान धरने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद किसानों ने खोला रास्ता, टिकैत बोले हमने कभी ब्लॉक ही नहीं किया था। वहीं जियो का सिम चलाने वाले लोगों के लिए आई बड़ी खबर, 28 दिन की वैलिडिटी के साथ में ये रिचार्ज मिलेगा एकदम फ्री। त्योहार और पर्व के मौके पर सभी ट्रेनें चल रही हैं फुल, लेकिन अब आप ना करें टेंशन, दिवाली के मौके पर ट्रेन में ना मिले सीट तो अब यूपी रोडवेज चलाने जा रहा है एक्स्ट्रा बसें। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलेगा दिवाली का गिफ्ट, महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी को कैबिनेट ने दी मंजूरी। पेटीएम चलाने वाले लोगों के लिए आई बुरी खबर, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाया 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, वेस्टर्न यूनियन पर भी गिरी गाज। कोरोना महामारी पर भारत की बड़ी जीत, भारत ने रचा इतिहास, बनारस के दिव्यांग को लगा देश का 100 करोड़वां टीका। टीवी देखने वालों के लिए बुरी खबर, 1 दिसंबर से टीवी देखना भी अब हो जाएगा महंगा, पेट्रोल और डीजल को लेकर कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार से पूछा ये बड़ा सवाल। दो पहिया और चार पहिया गाड़ी चलाने वालों के लिए आई बड़ी खबर, ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की डॉक्यूमेंट वैलिडिटी सरकार ने की खत्म, इस तारीख से पहले आप जल्द करवा ले रिन्यू नहीं तो कट जाएगा गाड़ी का चालान। स्कूली बच्चों के लिए आई अच्छी खबर, कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को सरकार मुफ्त में देगी यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे। तो चलिए दोस्तों इन सभी खबरों की जानकारी एक एक करके ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से नीचे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल की घंटी को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसी के साथ हमारी पहली और बड़ी खबर आ रही है कि आम जनता को चुनावी वादा, सरकार ने किया बड़ा ऐलान। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष संजीव शुक्ला ने किया बड़ा ऐलान, चुनाव से पहले कहा कि
यदि उत्तर प्रदेश में बनती है आम आदमी पार्टी की सरकार तो आम आदमी पार्टी जनता को देगी 300 यूनिट तक बिल्कुल फ्री में बिजली। साथ ही किसानों को भी मुफ्त में बिजली सहित बकाया बिल भी माफ करने का किया ऐलान। बता दिया जाए कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनावों को देखते हुए आम जनता से एक बड़ा वादा कर दिया है। बता दिया जाए कि आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष संजीव शुक्ला ने जनसभा के दौरान एक मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि यदि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो आम आदमी पार्टी 300 यूनिट तक की बिजली आम जनता को बिल्कुल फ्री में मुहैया कराएगी। साथ ही साथ जो किसान हैं उनको मुफ्त में बिजली सहित बकाया बिल जो है उसको भी माफ किया जाएगा। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल की गारंटी वाले कार्ड योजना के तहत जो नागरिक हैं उनका फ्री में गारंटी कार्ड भी बनाया जाएगा। इसी के साथ कोरोना महामारी के बीच दीपावली छठ में एंट्री के लिए बिहार सरकार ने कहा बिना टीकाकरण प्रमाण पत्र के नहीं मिलेगी बिहार में एंट्री, कोरोना टेस्ट है जरूरी। जी हां दोस्तों, दीपावली और छठ में बिहार जाने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। बता दी जाए कि बिहार में एंट्री अब आपको नहीं मिलेगी। यदि आपने कोरोना टीकाकरण की रिपोर्ट को निगेटिव रिपोर्ट को नहीं दिखाया तो अब आपको बिहार राज्य में एंट्री नहीं मिलेगी। बता दिया जाए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से त्योहारों को देखते हुए बाहर से आने वाले जो मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर या फिर जो लोग बाहर रह रहे हैं वो लोग घर वापसी करते हैं। ऐसे में कोरोना महामारी के मद्देनजर बिहार सरकार की तरफ से बिहार लौट रहे लोगों के लिए ये बड़ा और कड़ा नियम लागू कर दिया गया है। इसी के साथ राजस्थान सरकार की तरफ से लड़कियों के लिए किया गया बड़ा ऐलान, कृषि की पढ़ाई कर रही लड़कियों को सरकार देगी 15,000 रुपये। जी हाँ दरअसल दोस्तों, राजस्थान में कृषि की पढ़ाई कर रही लड़कियों को राजस्थान सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है और पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान ये किया गया है। बता दी जाए कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की तरफ से एक योजना शुरू की गई है। बताया जा रहा है कि इस योजना के अंतर्गत जो लड़कियां आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके परिवार की हालत पढ़ाई लिखाई करने की नहीं है, उन लड़कियों को सरकार की तरफ से कृषि की पढ़ाई करने वाली लड़कियों को सरकार 15,000 रुपये देगी। आपको बता दी जाए कि एग्रीकल्चर की यदि आप भी पढ़ाई कर रही हैं और अगर आप भी राजस्थान सरकार की राजस्थान की रहने वाली हैं तो आप 31 अक्टूबर से पहले इस योजना के अंतर्गत आवेदन जरूर कर दें, नहीं तो आपको इस योजना का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। इसी के साथ आम जनता की महंगाई ने तोड़ी कमर, पहली बार 120 रुपये पार हुआ पालक तो वहीं धनिया के भी 280 रुपये प्रति किलो तक पहुँच गए दाम। जी हाँ, महंगाई की आग अब आम आदमी की रसोई तक पहुंच चुकी है। पहले ही तेल और दूसरे सामानों की वृद्धि हो चुकी है, अब सब्जियों के दाम भी अचानक से बढ़ गए हैं। आम आदमी के माथे पर चिंता की लकीरें खींचती हुई चली जा रही हैं। बताया जा रहा है कि पहली बार चिल्लर बाजार में पालक भाजी की कीमत 120 रुपये प्रति किलो तक पहुँच गई है, वहीं मुनगा का भाव 100 रुपये के पार चला गया है। कमोबेश ये स्थिति मिर्च, टमाटर, परवल समेत दूसरी सब्जियों की भी है। थोक बाजार में सब्जियों की आवक तो बनी हुई है लेकिन फिर भी डिमांड में अचानक वृद्धि भी नहीं हुई है, लेकिन त्योहारी सीजन को देखते हुए एकदम से जो सब्जियों के दाम है वो काफ़ी तेजी से आसमान छूने लगे हैं। टमाटर 60 रुपये किलो, मिर्च 80 रुपये किलो तो वहीं हरी धनिया 280 रुपये किलो तक पहुंच गया है। तो वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से किसानों के लिए किया गया बड़ा ऐलान, फसल बर्बाद होने पर दिल्ली सरकार देगी 50,000 रुपये का मुआवजा। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी सरकार की तरफ से किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है। बता दीजिए कि आप सरकार की तरफ से उन किसानों को जिनकी प्रति हेक्टेयर कोई फसल खराब होती है तो सरकार उन्हें 50,000 रुपये का मुआवजा देगी। बता दीजिए कि दिल्ली सरकार ने कहा है कि दिल्ली के रहने वाले उन सभी किसानों की जिनकी फसल बारिश की वजह से खराब हो गई है उनको प्रति हेक्टेयर सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। दरअसल दिल्ली के सीएम ने कहा है कि बीते कुछ दिन पहले कुछ किसानों की बारिश की वजह से फसल खराब हो गई है। इसी के चलते दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने ये बड़ा ऐलान किसानों की सहूलियत के लिए किया है। वहीं राशन कार्डधारियों के लिए लागू हुआ नया नियम, अगर आपने इतने महीने से नहीं लिया है राशन तो अब आपका राशन कार्ड हो जाएगा रद्द। जी हाँ, देश के गरीब किसान परिवारों के लिए और साथ ही साथ जो लोग राशन लेते हैं और राशन कार्ड धारक हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है। देश के गरीब परिवारों को राशन कार्ड के आधार पर सस्ते दर पर अनाज मिलता है। राशन कार्ड बनाने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकारों की होती है, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग राशन कार्ड तो बनवा लेते हैं लेकिन वो लोग पूरी तरीके से संपन्न होते हैं और उनके घर में किसी प्रकार से खाने पीने की दिक्कत नहीं होती है। तो ऐसे में उन लोगों का अब राशन कार्ड कैंसिल किया जाएगा यदि वो लोग 3 महीने से ज़्यादा एक ही कार्ड पर राशन नहीं
नहीं लेते हैं तो अब उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि निरस्त कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। वहीं अगली नेक्स्ट बड़ी खबर, घर लेना अब हुआ आसान। दिल्ली में 7 लाख रुपए में खरीदे अपना घर, 2,67,000 रुपए की सरकार देगी सब्सिडी। जी हाँ, बेहद कम बजट में देश की राजधानी दिल्ली में अपना आशियाना बनाने की सोच रहे हैं तो अब आप और आसानी से दिल्ली में अपना खुद का घर खरीद सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के जरिए दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि DDA की अपना सपना जो है पूरा करने के लिए आपको एक मौका दे रहा है। बता दी जाए कि DDA PM आवास योजना के जरिए जरूरतमंद लोगों को सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपए में घर मुहैया करा रहा है। यही नहीं, आपको बता दी जाए कि इसमें आपको 2,67,000 रुपए की आपको सब्सिडी भी केंद्र सरकार की तरफ से दी जाती है। रेलवे की तरफ से आई बड़ी खबर, 1 माह तक ट्रेनों में सीट नहीं, पूरी तरीके से बुक हुई सभी ट्रेनें। पर्व और त्योहार के मौके पर घर आने जाने वाले लोगों में हो रही है मारामारी। जी हां, पर्व और त्योहार पर रेलगाड़ियों में आरक्षण टिकट नहीं मिलने से घर आने जाने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दिल्ली छठ अपनों के साथ मनाने की इच्छा पाले लोगों की मुश्किल टिकट नहीं मिलने से और बढ़ गई है। बता दी जाए कि दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद समेत कई बड़े शहरों के लिए नवंबर के अंतिम सप्ताह तक किसी ट्रेन में आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। डेहरी सासाराम स्टेशन से होकर गुजरने वाली, हावड़ा से मुंबई जाने वाली मुंबई मेल, आसनसोल से भावनगर जाने वाली पारसनाथ एक्सप्रेस, पूरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस या फिर जो अन्य ट्रेनें हैं जो बिहार की ओर ज्यादातर आती हैं, उन सभी ट्रेनों में जो सीटें हैं वो पूरे तरीके से अगले 1 महीने के लिए बुक हो चुकी हैं। वहीं नेक्स्ट बड़ी खबर, दिल्ली में लागू हुआ नया नियम, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान के जरिए दिल्ली सड़कों पर उतरेंगे अब विधायक, नहीं नियम नहीं मानने वालों का कटेगा चालान। जी हां, दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू हो चुका है। अब इस अभियान के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए दिल्ली के विधायक भी अब सड़कों पर उतरने वाले हैं। बता दी जाए कि दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण के चलते दिल्ली सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला किया गया है, जिसमें जब भी गाड़ी चला रहे हैं आप तो सड़क पर जब रेड लाइट ऑन हो जाए उस समय आपको गाड़ी ऑफ कर देनी है। इसके चलते कुछ हद तक दिल्ली में प्रदूषण को कम किया जा सकता है, ऐसा सरकार का मानना है। तो वहीं अगली नेक्स्ट बड़ी खबर, केले की खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ा अलर्ट हुआ जारी, पहली बार आई खतरनाक बीमारी। जी हां, भारत में केले के फसल के लिए नई बीमारी आ गई है। ये एक फफूंद से होने वाली बीमारी है। इस बीमारी का नाम केला का पिटिंग एवं ब्लास्ट रोग है। बताया जा रहा है कि ये बीमारी अभी तक बिहार में नहीं आई थी लेकिन अब आ गई है। केले की फसल करने वाले लोगों के लिए ये बुरी खबर है क्योंकि ये एक फफूंद वाली बीमारी है और ये पूरी फसल केले की खराब कर देती है। तो वहीं अगली नेक्स्ट बड़ी खबर, डेंगू ने बढ़ाई राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की चिंता। फिर से बढ़ रहे हैं डेंगू के तेजी से मामले। जी हाँ, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते मामलों को लेकर चिंतित डॉक्टरों का कहना है कि हाई फीवर के साथ आ रहे मरीजों को कोरोना संक्रमण होने का भी खतरा है। बता दी जाए कि दिल्ली सरकार में और साथ ही साथ राजस्थान और उत्तर प्रदेश में डेंगू के बढ़ रहे मामलों के चलते लोग काफ़ी ज़्यादा असमंजस में हैं कि कहीं उनको कोरोना तो नहीं हुआ है, क्योंकि हाई फीवर के चलते लोग इस कन्फ्यूजन में पड़ रहे हैं। बता दी जाए कि दिल्ली साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ये कोरोना के महामारी के बाद में डेंगू के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके चलते आम आदमी और साथ ही साथ सरकारों की भी चिंता काफी तेजी से बढ़ गई है। वहीं नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए आई बड़ी खुशखबरी, 10वीं-12वीं पास जल्द करें अप्लाई, 81,000 रुपए महीना मिलेगी सैलरी। जी हां, सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा मौका है। दरअसल डाक विभाग ने अपने लखनऊ स्थित कार्यालय के लिए MTS, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट सहित पोस्टमैन समेत कुल 125 स्पोर्ट्समैन पदों पर भर्ती निकाली है। यदि आप भी पोस्ट ऑफिस में भर्ती होना चाहते हैं तो आप भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 9 अक्टूबर से इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, 5 नवंबर तक की आवेदन प्रक्रिया चलेगी। तो वहीं अगली नेक्स्ट बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद किसानों ने खाली किया रास्ता, टिकट बोले हमने तो कभी बंद ही नहीं किया। जी हां, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 का रास्ता खोल दिया है। बता दीजिए, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि राकेश टिकैत समेत किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर फ्लाई ओवर के नीचे दिल्ली जाने वाली सर्विस लेन पर अब जाम हटा दिया है। बता दें कि कृषकों ने सबसे पहले इसी रास्ते को रोका था। रास्ता खोलने का फैसला मामला सिर्फ अदालत में पहुंच गया था। अब अदालत की तरफ से किसानों को बड़ी फटकार दी गई है, जिसके बाद किसानों ने अब ये रास्ता खाली कर दिया है।